राम राम दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं लोटस टेंपल। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारा भीड़ है, उस भीड़ में हम भी खड़े हो गए हैं। अब अंदर के तरफ हम एंट्री करते हैं और आपको खुफिया जानकारी देते हैं अंदर का। कैमरामैन फोकस करते रहिए, मेन गेट के पास हम पहुंच चुके हैं और मेन गेट पे काफ़ी तगड़ा जाँच पड़ताल हो रहा है। गार्ड जो है जाँच अच्छे तरीके से कर रहे हैं और अंदर के तरफ हम एंट्री मार दिए। अब अंदर का आपको दिखाते हैं, खुफिया जानकारी देते हैं, आप हमारे ब्लॉग में बने रहे। खुफिया जानकारी, जानकारी नंबर एक, आप जो है अंदर कुछ भी सामान खाने पीने का नहीं ले जा सकते, बस एक ही चीज ले जा सकते हैं, वो क्या है, पानी। पानी ले जाइए, जल ही जीवन है, वहां पे पीजिए और मन तन मन से घूमिए अंदर, ठीक है। दोनों साइड जो है पार्क बना हुआ है, अच्छा तरीके से आप फोटो खिंचवाएं। और साथ में यहाँ हमें मुझे एक चीज बहुत अच्छा दिखने के लिए मिला कि आउट ऑफ कंट्री के लोग बहुत आते हैं, जैसे आप मेरे वीडियो में देखे हैं, आप फोटो भी खिंचवा सकते हैं और तन और मन से घूमिए इस पार्क में, हर जगह फोटो शूट करवाइए। जैसे मुझे भी देख रहे हैं कि फोटो ले रहा हूँ, कहीं ब्लॉग बना रहा हूँ, कहीं कुछ कर रहा हूँ, तो आप जरूर आए। कैमरामैन फोकस कीजिए, लोटस टेंपल आ गया। खुफिया जानकारी नंबर दो, ये जो टेंपल लोटस टेंपल है पूरा वर्ल्ड में 8 है, भारत में 8वें नंबर पे आता है ये। लोटस टेंपल की जमीन जो है खरीदी गई थी 1953 ईस्वी में और मंदिर की जमीन का क्षेत्रफल 26.6 एकड़ है। जमीन से मंदिर की ऊंचाई 34.27 मीटर है। बाहर साइड में जो है बहुत अच्छा अच्छा पार्क बना हुआ है और यहाँ पे अच्छे तरीके से फोटो भी आप शूट करवा सकते हैं। ये जो छोटा छोटा पौधा देख रहे हैं, ये संतरा का पौधा है और इसमें बहुत छोटा छोटा बच्चा टाइप में फरा हुआ है। ये जो कमल मंदिर है इसकी पंखुड़ी की संख्या 27 है। यहाँ पे जो है बहुत फॉरेन कंट्री के भी लोग आते हैं, जैसे जापानीज, कोरियन, फ्रेंच, यहाँ के लोग को मैं देखा और वो लोग अपने में बात भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे और फोटो तो हद से ज्यादा ही शूट हो रहा था। अब जो है अंदर के तरफ बढ़ रहे हैं और ये कुछ आप देख सकते हैं, सामने इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था और आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अंदर के तरफ हम बढ़ते हैं और सामने पार्क का दृश्य देखिए कितना अच्छा है और हम भी खड़े हैं, कुछ फोटो ले ले रहे हैं अपना। और पार्क काफ़ी अच्छा बना हुआ है और चारों साइड इसको जो पार्क का जो है बैरिकेटर लगा हुआ है, तार से घेरा हुआ है। शक्ति का प्रयोग करते हुए चढ़िए जीने के ऊपर। हम लोग ऊपर आ चुके हैं, ऊपर से दृश्य देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्यारा। यहाँ पे जो है तालाब भी है, टोटल 9 तालाब है और यहाँ पे जो है अच्छे से लोग टेंपल के सामने फोटो शूट करवा रहे हैं और ऊपर जो है एरोप्लेन भी निकल। यहाँ जो है हम लोग नीचे के तरफ जा रहे हैं, मंदिर के तरफ जाएंगे, नीचे से रास्ता है और यहाँ पे जो आप तालाब देख रहे हैं टोटल 9 तालाब है और पानी बहुत ज़्यादा ही साफ है। और आगे दिखाते हैं आपको और यहाँ पे काफ़ी सारा भीड़ है और व्यू बहुत ही अच्छा है। आगे के तरफ हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे यही रास्ता जाता है, काफ़ी लंबा है। यहाँ पे लोग कुछ फोटो शूट, कहाँ पर भी लग रहा है मुझे लाइन लगना पड़ेगा, लाइन ही लगा हुआ है और काफ़ी लंबा लाइन है यहाँ पे। और ये जो है सामने दिख रहा है मुझे लग रहा है काउंटर है और काफ़ी बड़ा लाइन है, मुझे लग रहा है कम से कम यहाँ से 4-5 मिनट लगेगा जाने में ऊपर की तरफ मंदिर में।
और यहाँ पे जो देख रहे हैं कुछ दृष्ट देख रहा होगा, क्या चीज का है मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ था। और यहाँ पे जो है दोपहर के टाइम में काफी गर्मी था धूप में, और ये जो मैट आप दिख रहे हैं ये नारियल का जो पेड़ होता है उसी का बना हुआ है, और इस पे चलने में ना बहुत वेल फील होता है, और इन पत्थर पे चलेंगे तो बहुत ज्यादा आपको गर्मी लगेगा। यहाँ पे जो है सबसे ऊपर मैं चढ़ गया हूँ फ्लोर पे, और ये आप बाहर का जो है पूरा सीन है वो देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है। और ये जो है अंदर के तरफ भी रास्ता यही है जाने का, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं। अब मैं खड़े ही हूँ वहाँ पे, और ये जो है एरोप्लेन जा रहा है सामने, पता नहीं कहाँ लैंड होगा, काफ़ी भीड़ हो गया है। ये जो मैडम जी हैं लाइन लगवा रही हैं और इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पे फ़ोन कैमरा सब जो है आपको बंद करके जाना पड़ेगा, और ये जो टेबल दिख रहा है आपको यहाँ पे 1300 लोग बैठ सकते हैं, और यहाँ इसके अंदर में ठंडक बहुत है और बिल्कुल शांत बैठना पड़ता है, आप अंदर कुछ हल्ला आवाज़ नहीं कर सकते हैं। और ये जो आपको मेन गेट दिख रहा है निकलने का दिख रहा है, इधर से बाहर जाने का रास्ता है, और इसके अंदर जो है बहुत आपको शांति फील होगा बहुत ज्यादा। जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग नीचे उतर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ एक वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है सबसे अच्छी बात क्या है, गाइड भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं सामने गाइड है टूरिस्ट का, और ये बहुत ही अच्छा जानकारी दे रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इंग्लिश में सब कुछ A to Z बता रहे थे। और काफ़ी आराम से ये जो देख रहे हैं टूरिस्ट को आप जानकारी ले रहे हैं हर एक चीज़ के बारे में, उतना हम लोग को जानकारी नहीं होगा जितना इनको जानकारी ये जो सामने गाइड वाले भैया दिख रहे हैं ये दिए हैं जितना इनको। हम लोग बाहर के तरफ निकल रहे थे तो राइट साइड में ये जो आप घर सा दिख रहे हैं बना हुआ, और यहाँ पे जो है ना जानकारी मिलता है सब कुछ के बारे में, लेकिन ये दोपहर के टाइम में बंद था तो हम लोग को नहीं मिल पाया। और ये जो रास्ता जा रहा है बाहर के तरफ जा रहा है, और हम लोग बाहर के तरफ बढ़ रहे हैं, वीडियो में बने रहे। और यहाँ पे काफ़ी सारा लोग आ रहे हैं, दोपहर के टाइम में इतना भीड़ है तो मान लीजिए सुबह के टाइम और शाम के टाइम कितना भीड़ होता होगा। ये जो है मेन गेट आ गया है, हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, आप लोग भी जरूर आइए यहाँ पे, वीडियो बनाइए अच्छे अच्छे, और हमारा वीडियो देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वॉच कीजिए मेरा वीडियो को प्लीज़।